भारी भरकम स्कूल क्यों हो रहे बंद। इसके लिए कोई भी मतलब रूम की व्यवस्था नहीं है। जमीन न मिलने की क्या है जमीनी सच्चाई। व्यवस्था नहीं है तो छलवार किया जा रहा है। शिक्षा महकमा क्यों कर रहा नौनिहालों से मजाक। किताब के पन्नों में दिखा करके शिक्षा का गुणवत्ता दिखाया जाएगा तब तक यहाँ शिक्षा का स्तर कभी संभव ही नहीं। स्कूल वहाँ कर दिए विलय जो खुद है भवनहीन विद्यालय। अधिकारी कभी आए हैं मुआयना करने? अधिकारी कभी नहीं है। तो आज हम एक नई मुहिम लेकर हाजिर हैं। बिहार की बात की जाए जहां 1885 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए क्योंकि ये स्कूल बगैर भवन के चल रहे थे। सवाल ये है कि जिस प्रदेश में शिक्षा का भारी भरकम बजट हो वहां हजारों स्कूलों को बंद करने की नौबत आखिर क्यों आई। सरकार कह रही है कि स्कूल बंद नहीं किया गया है, मर्ज किए गए, लेकिन क्या ड्रॉप आउट की संख्या के बारे में भी सोचा गया है। बिहार के 1885 स्कूल क्यों कर दिए गए बंद। जमीन के इंतजाम में क्यों साबित हुए नाकाम। प्राइमरी शिक्षा की बदहाली पर सबसे बड़ी पड़ताल। हम आगे की कहानी आपको बताएं, उससे पहले पटना सिटी के इस स्कूल की तस्वीरें देखें। इस स्कूल का नाम मध्य विद्यालय नेहरू टोला के नाम से दर्ज है। स्कूल का अपना भवन नहीं, लिहाजा ये मंदिर में चल रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि राज्य भर में ऐसे 1885 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा चुके हैं क्योंकि इनका अपना भवन नहीं था। 10 साल 15 साल से ये स्कूल चल रहे थे लेकिन आज तक इनके लिए जमीन की व्यवस्था नहीं हो पाई ताकि स्कूल का भवन बन सके। पेड़ के नीचे या फिर सामुदायिक हॉल में ये स्कूल चलाए जा रहे थे, आखिरकार इन्हें बंद कर दिया गया। बिना भवन, बिना भूमि, बिना शिक्षक के विद्यालय क्यों खोले जाते हैं और फिर 10-15 साल चलाने के बाद आपको ये एहसास होता है कि जा ये तो गलती हो गई। राज्य सरकार ने ये नियम तय कर रखा है, प्राइमरी स्कूल के लिए 5 डिसमिल जमीन होनी चाहिए जिसमें 5 कमरे होने चाहिए और शिक्षकों की संख्या भी 5 होनी चाहिए। लेकिन राज्य में 5,000 ऐसे प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए जिनके पास इंच भर भी जमीन नहीं। राज्य के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं भवनहीन 1885 प्राइमरी स्कूल बंद नहीं बल्कि मर्ज किए गए हैं। ये कौन नया खुलासा हुआ है? ये क्या इसमें नयापन क्या लग रहा है? तो हम लोग सरकार की तरफ से ही हम लोगों ने बताया था, ये खुलासा कहाँ से हो? सवाल ये है कि जब बिहार में शिक्षा का बजट 39,191 करोड़ है तो फिर प्राइमरी शिक्षा की ये हालत क्यों है? जब जमीन तक नहीं थी तो 5,000 स्कूल की शुरुआत किस आधार पर की गई? क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इन स्कूलों को दूसरी जगह समायोजित करने पर ड्रॉपआउट की संख्या नहीं बढ़ेगी?